नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज है आपका 24 जुलाई, और 24 जुलाई को आपका फोर्थ सेट का जो आपका SSC CGL का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, वो आपका समाप्त हो गया है। तो आज के फोर्थ सेट में क्या क्या GK GS के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न आपका आया था वो पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इजी प्रश्न था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा USSR, ठीक है। हमने हजारों बार हर दिन बताया है, ठीक है, कि USSR अब रूस हो गया है, उसके संविधान से मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में लिया गया था, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान की बात करें आपका, तो रूस के संविधान से यानी कि USSR के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना में जो शब्द है, ठीक है, न्याय का जो आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो भी आपका USSR के संविधान से लिया गया है। और आपका जो पंचवर्षीय योजना का जो सिद्धांत है, पंचवर्षीय योजना जो कि भारत में आपका लागू हुआ था, योजना के द्वारा चलाया गया था, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। आज भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न जो कि बना है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये आपका लिया गया है USSR के संविधान से, ठीक है। इसके अलावा इसे जोड़ा कब गया था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान भाग 4A में जोड़ा गया था, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब आता है आपका आयरलैंड, जो कि आपकी थर्ड शिफ्ट में आपका प्रश्न बना था, DPSP किस देश के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो DPSP आपका वही आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, जिसे कि हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है, राष्ट्रपति जो आपका राष्ट्रसभा में 12 सदस्यों का जो नामांकन करता है, वो भी आपका कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, ठीक है, चुनाव का जो तरीका होता है भारत में राष्ट्रपति का, वो भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, लिखित संविधान, ठीक है, लिखित संविधान हमारा जो संविधान है भारत का, वो आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है, इम्पीचमेंट, वो भी आपका अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय अमेरिका से लिया गया है। राज्यों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की जो प्रक्रिया है, वो भी दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार तो आप लोग जानते होंगे, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन, यह आपका वहीं से लिया गया है। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की जो प्रस्तावना है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर प्रस्तावना ये भाषा बोलेगा तो ये याद रखिएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है, भाषा प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लेकिन जो आपको प्रस्तावना है वो आपका कहाँ से लिया गया है, तो वही हमारा अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का एग्जाम कल है, परसों या तरसों है, या SSC CGL का Tier 2 का देने का उनका चांस है, ठीक है, या CHSL देने वाले हैं या MTS देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए जो अभी आपका SSC CGL का जो एग्जाम चल रहा है, पूरे एग्जाम का, ठीक है, 27 तक चलेगा, उसका PDF है, मात्र ₹25 में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है, विथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड आपके आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम आपका 14-27 जुलाई तक चलेगा। आज तक अगर PDF लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ से भी अगर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, अभी लीजिएगा तो आपको 600-650 प्रश्न मिलेंगे आज तक का, आज है 24 जुलाई, ठीक है। इसके साथ ही आपका 27 जुलाई तक का PDF आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, और भी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। हर दिन जो आपके प्रश्न आपके आ रहे हैं, 5 से 6 प्रश्न आपका हर दिन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, नहीं तो उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स या रहे आपको नहीं विश्वास है, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं उनसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने 14 तारीख से एनालिसिस है सभी शिफ्टों का कराया है, टोटल 4 शिफ्टों का एग्जाम होता है, एक दिन में प्रत्येक 4 शिफ्टों का एनालिसिस आपको देखने को मिला होगा हमारे चैनल पर, ठीक है। साथ में फ्री PDF भी आपको दिया जाता है, अगर फ्री PDF से आप पढ़ लेते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं आपको कंबाइन चाहिए तो आप लोग आप ही व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपका, वो पूछा गया था पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध हुआ था आपका, ठीक है, उस समय आपका मुगल सम्राट कौन था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग को बहुत बार बताया है कि पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध है आपका 1761 में हुआ था, ठीक है, बहुत बार आप लोग को बता चुके हैं। किसके किसके बीच हुआ था, तो आपका अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच, और आपका कौन था, तो मराठों के बीच हुआ था, ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ये आप लोग को बहुत बार पढ़ाया गया होगा, हम भी आप लोग को बताएं, ठीक है। लेकिन पानीपत के समय, तीसरा युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, ये हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है।
लेकिन ये आपसे पूछा दिया गया है तो आपका शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाह आलम द्वितीय की बात करें तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के संरक्षण और सहायक मराठों के बीच युद्ध लड़ा गया था और इस लड़ाई का जो नेतृत्व है आपका मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ कर रहा था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मराठा का सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सदाशिव राव भाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में आपका अमर साहब दाढ़ी का जीत हुआ था, इसको भी याद रख लीजिएगा। ये आपका 1761 में 14 जनवरी को हुआ था, डेट भी याद रखिएगा क्योंकि सीजीएल एग्जाम में आपका डेट भी पूछा जा रहा है। आप लोग को एनालिसिस देख रहे होंगे तो आप लोग मालूम चल रहा होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुआ आपका पानीपत का तीसरा युद्ध का, लेकिन हमारे जो इतिहास में भारतीय इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, प्रथम जो युद्ध लड़ा गया है वो दोस्तों आपका कब लड़ा गया है, तो 1526 में लड़ा गया है, जो आप लोग भली भांति जानते होंगे। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक, साथ में साथ आपका दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी आपका। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने इसी युद्ध के बाद, ठीक है, इसी युद्ध के बाद 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था, आप लोग को मालूम होगा। लेकिन सेकेंड का युद्ध जो हुआ था वो दोस्तों आपका किसके बीच हुआ था, सेकेंड का युद्ध तो पहली बात हुआ कब था, तो 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर लड़ नहीं रहा था, इनके सेनापति लड़ रहे थे बैरम खान, अकबर उस समय आपका गद्दी पर ही बैठा था। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि अकबर अपना अकबर है जो कि गद्दी पर कब बैठा था, तो 1556 में ही बैठा था, उसी समय पानीपत का तीसरा युद्ध है जो कि आपका हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो लता मंगेशकर का जो जन्म है आपके ऑप्शन में इंदौर दिया गया था, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। इनका जो नाम है आपका हेमा मंगेशकर है, जिन्हें लता मंगेशकर के नाम से ये प्रसिद्ध हुई है। जन्म की बात कर लेते हैं तो 28 सितंबर 1929 को इंदौर, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसी में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपने 8 दशक के लंबे करियर के दौरान भारतीय संगीत के उद्योग में उनके योगदान के लिए क्यून ऑफ मेलोडी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, उपनाम बहुत बार पूछा जाता है, तो क्यून ऑफ मेलोडी किन्हें कहा जाता है, तो आपका लता मंगेशकर को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है। और वॉइस ऑफ द मिलेनियम किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। तो ये 3 नाम लता मंगेशकर से आपको याद रखना है। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार की ओर से 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तथा देश की ओर से आपका इन्हें भारत रत्न भी सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2001 में इन्हें दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह के बारे में, कि चंपारण जो सत्याग्रह है, ठीक है, वो आपका किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह की हम लोग जो बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। ठीक है, तो 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका जो नेतृत्व है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का ये आपका भारत में पहला आपका राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, राष्ट्रव्यापी कहें तो पूरे राष्ट्र स्तर पर। ठीक है, ये आपका पहला आंदोलन था 1915 में, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा गांधी जी जो कि भारत वापस आए थे, ये भी प्रश्न का बन चुका है कि भारत गांधी जी भारत कब लौटे हैं, तो 1915 में लौटे थे। इसके अलावा 9 जनवरी को लौटे थे, ये भी याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्या याद रखना है, ये चंपारण जो जगह का नाम है वो आपका पड़ता कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह संबंधित किससे है, तो ये आपका किसानों से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे प्रणाली पूछ दिया जाए तीनकठिया प्रणाली, ठीक है, तीनकठिया प्रणाली कहने का मतलब है कि अगर आपके पास आपका मान लीजिए जमीन है, तो उस पर आपका 3/20 भाग पर क्या करना है, तो आपको नील का खेती करना है। ठीक है, उसी के विरोध में आपका चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था, नेतृत्व आपका महात्मा गांधी जी कर रहे थे। इसके अलावा बात करेंगे तो 1915 में गांधी जी कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इस बात को भी आप लोग याद कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भारत वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता था, हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, तो हॉकी जो वर्ल्ड कप है वो दोस्तों आपका भारत है जो कि पहली बार और लास्ट बार, ठीक है, पहली बार 1975 में ही जीता है, क्वालालंपुर में हुआ था, मलेशिया की राजधानी है क्वालालंपुर। और लास्ट बार भी बात करेंगे तो लास्ट बार भी आपका जो भारत हॉकी है वर्ल्ड कप है 1975 में ही जीता है। ठीक है, इसके बाद ना भारत कभी जीता है ना अभी तक जीत पाया है। ठीक है, तो आखिरी बार भी उसी समय जीता था, मैच क्वालालंपुर मलेशिया में खेला गया था, इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था, तो उप विजेता आपका पाकिस्तान था। ठीक है, इसके अलावा 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करेंगे तो मेजबानी कौन कर रहा था, तो अपना देश भारत ही कर रहा था। भारत अब इतिहास में चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, यानी कि कर चुका है। इसके अलावा विश्व कप की बात करेंगे तो हर साल
4 साल में एक बार आयोजित होता है और भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से 1956 के बीच लगातार 6 बार ओलंपिक में खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ओलंपिक में तो स्वर्ण पदक आपका 1928 से 1956 के बीच जीता ही है, लेकिन 75 में आपका पहली बार वर्ल्ड कप जीता था और लास्ट बार भी जीता है, इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो देखिए, पूछा गया था कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है किस अवधि के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका 1951 से 1981 की जो अवधि होता है वो आपका भारत में जनसंख्या विस्फोट का अवधि ही कहा जाता है। इसके अलावा इसमें क्या हुआ था इस अवधि के दौरान, तो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट के कारण देश में जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर है और औसत वार्षिक विकास दर की बात करेंगे तो 2.2% जितनी क्या थी, अधिक थी। ठीक है, आपको मालूम होगा भारत में 3 प्रकार का चयन देखा जाता है, एक स्थिर, अस्थिर और आपका विस्फोट वाला। ठीक है, तो ये सब सभी जो आपका है पीडीएफ में शामिल कर दिया गया है। जो लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं वो लोग फ्री पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। फ्री वाला जो पीडीएफ है आपका हर दिन का पीडीएफ, जैसे मान लीजिए 14 को एग्जाम हुआ है, 14 को, 15 को नहीं हुआ है, 16 को भी नहीं हुआ है, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, इन सभी डेटों का पीडीएफ डे बाय डे आपके टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर आप कंबाइंड लेना चाहते हैं तभी व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, नोटिस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछा गया आपका कि खाना पकाने में जो खाद्य सामग्री को गाढ़ा करने के लिए किस पदार्थ का जो है उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर तो मुझे मालूम अभी तक चल नहीं पाया है। विकल्प में आपका सेलुलोज दिया गया था, लुसिन दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार करके आपका जो विकल्प है वो दोस्तों आपका क्या दिया गया था, तो दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि जब सी एच ओ समूह को जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एल्डिहाइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन को पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाए हैं, क्वेश्चन बाद में आया है। वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आपका चल रहा था तो उस समय इस योजना का अध्यक्ष कौन था, ये पूछा गया था। तो अगर आप लोग को ये मालूम होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चलता है, ठीक है, वो आपका अध्यक्ष कौन होता है, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना अगर आपको मालूम होगा तो आपको चला था 1951 में। ठीक है, 1951 से 1956 तक चला था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री होंगे कौन, तो आप लोग को मालूम ही होगा भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो यही ऑब्वियसली है कि जो क्या होंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उपाध्यक्ष की बात कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष आपका गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा पीडीएफ में, से हम दे देंगे गुलजारी लाल नंदा। इसके अगर बात कर लिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि इसका जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसका प्रारूप कौन किसने तैयार किया था, तो प्रारूप अगर आपसे पूछा जाए तो आपका के एन राज। ठीक है, इसका के एन राज के नेतृत्व में इसका जो प्रारूप है आपका तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, डोंगरी डोंगरी जो उत्सव है, ठीक है, डोंगरी उत्सव है आपका, वो आपका भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये तो आपसे पूछा नहीं गया था। आपसे पूछा गया था डोंगरी जो उत्सव है वो आपका किस धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो धर्म के बाद धर्म का आपका ऑप्शन प्रश्न आया था, तो हम लोग डोंगरी की बात करते हैं। सबसे पहले मनाया कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। आपके क्वेश्चन में शायद आपका ये चीज इंक्लूड था कि हिमाचल प्रदेश में डोंगरी उत्सव होता है, मनाया कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ, तो कुल्लू घाटी क्षेत्र में। ठीक है, ये आपका कुल्लू घाटी क्षेत्र में मनाया जाता है हर साल 14 से 16 मई के बीच में। ठीक है, हर साल 14 से कब तक, 16 मई के बीच में। यह त्यौहार भीम की पत्नी हिंडीबा देवी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर धर्म आपसे पूछा होगा तो ये आपका हिंदू धर्म ही हो जाएगा। ठीक है, हिंदू धर्म से रिलेटेड ये आपका ये त्यौहार है और इसी त्यौहार को, डोंगरी जो उत्सव है, इसी त्यौहार को आपका जम्मू कश्मीर में गोपा के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में गोपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक आपके ऑप्शन में दिया गया था उत्तराखंड, उत्तराखंड नहीं, फूलदेही, अगर फूलदेव की बात करेंगे, फूलदेव जो त्यौहार कौन मनाता है, तो उत्तराखंड में आपका फूलदेव त्यौहार मनाया जाता है। बिहू की बात करेंगे तो बिहू आपका असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के फोर्थ शिफ्ट में देखने को मिले थे। बाकी और प्रश्न अभी नहीं मिल पाए हैं। फोर्थ शिफ्ट में होता क्या है कि बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, रात हो जाता है, तो आपका घर पहुँचने में थोड़ा सा लेट होता है उनको, तो क्वेश्चन लेट से मिलता है, तो पीडीएफ में हम लोग शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाद बाकी अगर आपको पेड पीडीएफ लेना है
पेड पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको, टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो मात्र 25 रुपये इसका शुल्क है। व्हाट्सएप पे संपर्क करना होगा, 14-27 जुलाई तक का पीडीएफ मिलेगा। आज आपका 24 है, 24 तक का आपको दिया जाएगा। बाद में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें उसी में अपडेट कर दिया जाएगा। ये पीडीएफ आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो आप लोग जाइए इस पीडीएफ का लाभ उठाइए। हर शिफ्ट में आपका 5 से 6 प्रश्न इसे पीडीएफ से देखने को मिल रहा है। बाद बाकी आपकी जैसे इच्छा, फ्री पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।